भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर 11 महीने से आंदोलनरत देश के किसानों को लेकर पूरे भारतवर्ष में रेल रोको कार्यक्रम के तहत भारतीय किसान यूनियन के खदा तहसील अध्यक्ष सोब्रन सिंह के नेतृत्व में खदा नगर स्थित सुभाष चौक पर एकत्रित हुए किसानों ने प्रदर्शन करते हुए उपजिलाधिकारी खड्डा के माध्यम से महामहिम भारत सरकार को ज्ञापन सौंप 5 बिंदुओं की मांग की, जिसमें मुख्य रूप से 3 कृषि काला कानून को वापस लेना, कृषि समर्थन मूल्य कानून को दर्जा देना, पूर्व की भांति पैसेंजर ट्रेनों को तत्काल चालू करना, आपदा से किसानों के हुए क्षति का मुआवजा तथा किसानों द्वारा फसल के लिए लिए गए ऋण को माफ करने की बात कही गई। कार्यक्रम में हलवंती देवी, रमाकांत तिवारी, रामविलास गुप्ता, रुद्र प्रसाद, शंभु यादव, अवधेश सिंह, गुलाब कुशवाहा आदि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से खड्डा थाना प्रभारी धनवीर सिंह, SI रामाशंकर सिंह यादव, SSIP के सिंह के साथ हमें थाने के स्टाफ डटे रहे। किन किन मांगों को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा है? काला कानून किसान बस उन्हीं को लेकर, और एक ज्ञापन जो दिए हैं रेल पर जो पैसेंजर ट्रेन है वह सुबह इधर से जाए और शाम को आवे, मतलब इस पर जो है व्यवस्था किया है। अभी किसानों की समस्याएं इतनी बढ़ चुकी है, यह इस बरसात से और बाढ़ से कई चीज़ों से प्रभावित हैं किसान, और इनके खेत भी प्रभावित है, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर जो है कि तहसीलदार साहब से बात हुई, तहसीलदार साहब जो सर्वे करवा रहे हैं हर गांव में, और हमने पैड पर अपने लिख कर दिया भी था, और उस पर जो कार्रवाई हो रही है, और किसानों को जो कुछ भी सरकार से मिलेगा वो वादा किए हैं कि हम जो भी सरकार से मिलेगा वो किसानों के खाता में जाएगा बैंक के। अच्छा, ये बताइए किसानों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा है, कहीं किसानों को कुचल दिया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो सरकार की जो है कि सरकार की कुंडली है कि जो है किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, चाला जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो सरासर ढूंढ ही है इसमें जो है कि कोई ढूंढ ही है। यानी कि आप मानते हैं कि सरकार गुंडागर्दी कर रही है? हाँ, कभी तो जो है कि हमारे ऊपर जो है कि गाड़ियाँ जो है चल रही है वो जेल जाएगा, उसको मुकदमा लिखा जाएगा। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का हत्या, जो अपना हक प्रजातंत्र में अपना हक जो है कहने के लिए सबका अधिकार है। तो जो लोग अपनी मांग रख रहे हैं, जो लोग अपना अधिकार रख रहे हैं, उनके ऊपर CBI जांच और कई तरीकों से प्रताड़ना कर उनको जेल भेज दिया जा रहा है, वो जो है अपना काम कर रहे हैं, किसान अपना काम कर रहा है जी। आज 11 महीना से जो अपना काम कर रहा है, अभी गाड़ी से कुचल कर मंत्री के बेटे द्वारा किसानों की हत्या कर दी गई थी, उसमें आपके द्वारा क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं और क्या न्याय मिला है आपको? न्याय कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक उसका गिरफ्तारी आशीष मिश्रा का हुआ है, जो अजय मिश्रा के समय राज्य मंत्री है, उसको बर्खास्त नहीं किया जा रहा है, बर्खास्त नहीं की कर रही है सरकार। क्या ये योगी जी करवा रहे हैं कि मोदी करवा रहे हैं, या कि पूरी मिलकर मंडली करवा रही है? इसको करवाना चाहिए इन लोगों को ना, इनको बर्खास्त करके हटाना चाहिए। सही, अगर इंक्वायरी नहीं हो रहा है, बताइए आज किसानों की हत्या हो रही है, कल किसी और की हत्या होगी, आम आदमी के साथ क्या होगा? जब काम करेगा किसान जो है कि गति सुधारने में, किसान के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे किसानों की मौत पे? किसानों को मौत पर तो यही चाहते हैं कि जैसे हमारे टिकैत जी का बयान था, हम लोग भी कहा कि वह तो हो गया 45 लाख रुपया नौकरी, मान लीजिए आपको परिवार से बेदखल कर दिया तो परिवार उतना में जीवित रह सकता है? तो उसके लिए हमारा मांग है कि उसको दंडित करिए, और जो केंद्रीय मंत्री बना हुआ उसको बर्खास्त कीजिए, और फिर इसको CBI जाँच हो, जो न्याय हो उस न्याय संगत में काम हो। आपके किसान को जो चाहिए, सरकार द्वारा 45 लाख रुपया दिया गया है और नौकरी के लिए कहा गया है, तो क्या उस चीज़ से उस परिवार को वो सब चीज़ मिल सकता है? नहीं, उसको भी वही तो मैं बताया हूँ कि 45 लाख रुपया नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे मौत हुआ वो तो कानून दायरे में, उसको भी मौत चाहिए, लेकिन नहीं, सरकार की नीतियाँ नहीं है मान रही है, तो भाई उसको कर्ज करो और केंद्र मंत्री को बर्खास्त करो।
भाजपा की सरकार में जो शासन चल रहा है, जो लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ, उस आरोपी को जो है फांसी को झुला देना चाहिए सरकार को। राजमंत्री का लड़का होकर इतना गलती काम किया, उसको फांसी के फंदे लटकाना चाहिए। आज रेल आंदोलन को लेकर आप लोग करने वाले थे, जिसमें आपके नेता को नजरबंद कर दिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? तो उसका हमको यह चाहिए, सरकार की नीतियां हैं, जो ज़्यादा बोलेगा उसको बंद कराएंगे, जेल बनवाएंगे, नहीं तो गाड़ी से दबवा देंगे। इसमें आवाज़ आप जीते जाएँ लेकिन आवाज़ मत उठाइए, क्या हमारी सरकार की नीतियां हैं। मैं अपना हक मांगने का अधिकार नहीं है इतनी बार, हमारे किसान खीरी लखीमपुर में अपना हक मांग रहे हैं तो उसको गाड़ी से दबवा दिया गया। अभी एक व्यवसायिक आया था, अपना व्यवसाय कहे मनीष जायसवाल, उसको मरवा दिए। यही तो आप कह रहे हैं कि यह राम राज है, यही राम राज है, निंदा है, डकैती अपहरण हो रहा है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाजपा की सरकार में भीमराव मेडिकल जोन संविधान बनाया, इस लोकतंत्र को हत्या कर रहा है मोदी सरकार, और योगी मोदी दोनों लोकतंत्र को हत्या कर रहे हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उनको जेल में भेजा जाएगा, उनको जो है कि मुकदमा लिखा जाएगा, और किसान जो है कि ऐसी ऐसी सरकारों को जो है कि आने वाले 2022 में सिखाने के काम करेगा।